HRA और होम लोन डिडक्शन, क्या दोनों को ही एक साथ क्लेम किया जा सकता है? सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा से ही ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक रहा है, तो चलिए आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि क्या HRA, जिसे हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं, और होम लोन डिडक्शन, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो क्या इन दोनों को एक साथ आप अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं, और क्या इन दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो जी हाँ, आप HRA और होम लोन डिडक्शन दोनों को एक साथ अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि HRA और होम लोन डिडक्शन क्लेम करने के प्रोविजंस क्या हैं इनकम टैक्स लॉ में, क्या कहता है इनकम टैक्स लॉ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि HRA को क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस बताई गई हैं। तो HRA कवर होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में, और HRA आप तभी क्लेम कर सकते हैं जबकि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको HRA दिया जाता हो एज अ सैलरी कॉम्पोनेंट। जिन लोगों को अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता है, वो इसे अपने ITR में क्लेम नहीं कर सकते हैं। HRA के साथ साथ रेंट का क्लेम करने के लिए एक और सेक्शन भी है, सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG का बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जबकि आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता है। बहुत से लोग HRA और सेक्शन 80GG दोनों का ही बेनिफिट अपने ITR में लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आता है इनकम टैक्स से नोटिस। तो इन दोनों में ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको HRA मिलता है तो आप अपने ITR में HRA का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपको HRA नहीं मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, तो आप अपने ITR में सेक्शन 80GG में जो भी आप रेंट पे करते हैं उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80GG में कैलकुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रेंट का डिडक्शन क्लेम करना होता है। तो चलिए बात करते हैं HRA और होम लोन डिडक्शन की। HRA कवर होता है सेक्शन 10-13A में, और इसका एग्जेम्पशन आपको तभी मिलता है जबकि आपने अपनी रेंट की रिसिट्स अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की हैं। जो भी रेंट की रिसिट्स आप अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, उसके कैलकुलेशन के बेसिस पर आपका एम्प्लॉयर आपका HRA एग्जेम्पशन क्लेम करता है और उसे आपके फॉर्म 16 में शो करता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने रेंट रिसिट्स एम्प्लॉयर को नहीं दी हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपका HRA कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, तो उस केस में आपको खुद से अपने HRA का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको HRA कैलकुलेट करना नहीं आता है तो उसके लिए चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं होम लोन डिडक्शन की। सेक्शन 24 में आप जो भी EMI पेमेंट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक। और सेक्शन 80C में जो भी आप प्रिंसिपल पोर्शन का पेमेंट कर रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से सेक्शंस में ये दोनों चीज़ें कवर होती हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप रेंट दे रहे हैं, अपने ITR में HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, और साथ ही आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है जिसका आप होम लोन डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि आप रेंट पर रहते हैं और साथ ही आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसा किन किन केसेस में हो सकता है? इस तरह के मेनली 4 केसेस हो सकते हैं जिसमें कि ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। आइए देखते हैं कि वो 4 केसेस कौन से हो सकते हैं। एक मिस्टर ए हैं जो कि दिल्ली में वर्क करते हैं, लेकिन उन्होंने हाउस जो है वो ख़रीदा है हरियाणा में, वो दिल्ली में नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो रिटायर हो जाएं तो वो हरियाणा में सेटल हो जाएं, और इसीलिए उन्होंने हरियाणा में एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है जिसका कि वो होम लोन पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दिल्ली में तो वो रेंट पे कर रहे होंगे और HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे होंगे, साथ ही उन्होंने जो हरियाणा में होम लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसका वो होम लोन डिडक्शन अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। ये तो थी पहली सिचुएशन। इसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका हाउस अभी पूरी तरह से बना नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जब तक वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप उसमें नहीं रह सकते हैं। इस वजह से आप रेंट पर रह रहे हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA मिलता है, तो आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पोर्शन है उसको आप अपने ITR में एज अ होम लोन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
इसके बाद तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके पास अपना खुद का घर है लेकिन फिर भी आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, आप किसी दूसरे घर में रेंट पर रह रहे हैं, क्योंकि जो आपका अपना घर है वो आपकी वर्क प्लेस से काफ़ी दूर है और आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेली अप एंड डाउन करें अपने ओन रेजिडेंस से अपने वर्क प्लेस तक। जो आपका अपना घर है उसमें आपकी फैमिली रह रही है और आप अपने वर्क प्लेस के पास एक दूसरा घर लेकर वहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस में आप HRA एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं। और आपने अगर अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए होम लोन लिया हुआ है तो उसे भी अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 इनकम टैक्स लॉ का ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है और उस पर उसे कोई भी नोशनल रेंट या डीम्ड रेंट नहीं देना होगा। इसके बाद चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने अपने घर को तो रेंट पर दिया हुआ है और आप एक दूसरे हाउस में रह रहे हैं जिसका कि आप रेंट पे कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन कब आती है, जबकि आपका खुद का घर छोटा है और आप उसमें नहीं रहना चाहते हैं, आप किसी बड़े घर में रहना चाहते हैं, इस वजह से आप अपने छोटे घर को तो रेंट पर दे देते हैं और आप दूसरी जगह एक बड़ा घर ले लेते हैं जिसका कि आप रेंट पे कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी अगर आपको एम्प्लॉयर से HRA मिलता है तो आप HRA का बेनिफिट भी ले सकते हैं, और जो आपका अपना हाउस है जिसे आपने रेंट पर दिया हुआ है अगर उस पर अभी होम लोन चल रहा है तो आप होम लोन का डिडक्शन ले सकते हैं और जो उस पर आपको रेंट रिसीव हो रहा है उस रेंट पर आपको टैक्स देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये चार तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं जबकि आपके पास अपना खुद का घर है लेकिन फिर भी आप रेंट पर रह रहे हैं, तो इन सभी केसेस में आप HRA और होम लोन डिडक्शन दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 80GG के लिए, जो कि रेंट का ही एक सेक्शन है, उसके लिए कंडीशंस दूसरी हो जाती हैं। सेक्शन 80GG पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो था HRA और होम लोन डिडक्शन के लिए जिसकी काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी। अगर आप इन दोनों का ही बेनिफिट एक साथ क्लेम करते हैं तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप अपने खुद के घर में क्यों नहीं रह रहे हैं। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो आप बेहिचक इन दोनों ही सेक्शंस के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।